Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm Umar bin Abid and you're watching Umar Linguistics. So today our lecture is Origins of ASL or the Origins of Deaf Education. So this is the person Thomas Hopkins Gallaudet, and he was born in 1787 and he died in 1851. And this is Laurent Clerc. Laurent Clerc is also known as the Apostle of Deaf in America, and he was born in 1785 and he died in 1869. So अब हम इन दोनों के बारे में देखते हैं कि ये कौन कौन थे. तो जो लॉरेंट क्लर्क हैं, ये एक फ्रेंच टीचर थे और स्पेसिफिकली जो है डेफ के टीचर थे. और जो थॉमस हॉपकिंस गिलाउडेट है, ये मिनिस्टर भी थे और एक एजुकेटर भी थे अमेरिका में. ठीक है, तो अब हम देखते हैं ओरिजिन्स ऑफ डेफ एजुकेशन. So Thomas Gallaudet was a minister and an educator whose neighbor Alice Coxwell was a 9-year-old deaf child. तो जो Thomas Gallaudet, जिनके अभी हमने पिक्चर भी देखी है, इनका एक नेबर चाइल्ड था एलिस कॉक्सवेल, जो कि डेफ था. तो अब Thomas Gallaudet, he traveled in Europe to study educational methods for teaching the deaf. अब ये deaf education के मेथड सीखने के लिए यूरोप गए. वाइल इन द ब्रिटिश आइल्स, जब ये ब्रिटिश आइल्स में थे, यानी ये जो सारे वो ब्रिटिश के यानी जितने भी पार्ट्स हैं, गिलाउडेट मेट लॉरेंट क्लर्क. लॉरेंट क्लर्क, जिनके अभी हमने सेकंड पिक्चर देखी थी, तो उधर गिलाउडेट की लॉरेंट क्लर्क से मुलाकात हुई. एंड टू ऑफ हिज कंपेनियंस हु इन्वाइटेड हिम टू फ्रांस टू स्टडी द एजुकेशनल मेथड्स ऑफ टीचिंग द डेफ यूजिंग मैनुअल कम्युनिकेशन. अब गिलाउडेट को जो है वो लॉरेंट क्लर्क और उसके दो कंपेनियंस ने कहा, यानी दो साथियों ने कहा कि वो फ्रांस आएँ और उधर वो कुछ एजुकेशनल मेथड्स उन्हें सिखाएंगे मैनुअल कम्युनिकेशन के लिए, जो कि डेफ यूज़ करते हैं. ही सेल्ड बैक टू द यूनाइटेड स्टेट्स विद क्लर्क. अब ये सीखने के बाद गिलाउडेट क्लर्क के साथ, लॉरेंट क्लर्क के साथ वापस यूनाइटेड स्टेट्स आए दोनों. एंड दे रेज्ड मनी, और उन्होंने पैसे इकट्ठे किए. एंड इस्टेब्लिश्ड द अमेरिकन स्कूल फॉर द डेफ इन हैटफोर्ड कनेक्टिकट. और इन दोनों ने पैसे जमा करके, क्लर्क लॉरेंट क्लर्क और थॉमस गिलाउडेट ने पैसे जमा करके डेफ स्कूल बनाया हैटफोर्ड कनेक्टिकट में. और उसमें एलिस कॉक्सवेल, जो कि थॉमस गिलाउडेट का एक नेबर चाइल्ड था, डेफ चाइल्ड था, वो सबसे पहला फिर ग्रेजुएट्स था, सबसे पहले ग्रेजुएट्स में था जो कि हैटफोर्ड कनेक्टिकट से पढ़े थे. तो ये इसकी ब्रीफ हिस्ट्री है. अब हम कुछ और चीज़ें भी देखते हैं. तो ये तो हम बात कर चुके हैं. अपोस्टल का एक मीनिंग ये भी होता है कि कोई मैसेज लेकर आने जाने वाला. ठीक है, कोई भी जो बंदा मैसेज लेके आता है उसे अपोस्टल कह देते हैं. ठीक है, एक रिलीजियस टर्म्स में भी अपोस्टल यूज़ हो जाता है रसूल के लिए. लेकिन अगर आप रसूल को भी अरबिक में देखेंगे, तो अरबिक में भी जो रसूल है वो किसी मैसेंजर को भी कहते हैं. कोई भी अगर कोई बंदा पैगाम लेके आता था तो उसे भी वो रसूल कह देते थे. लेकिन रिलीजियस टर्म्स में रसूल का मतलब या अपोस्टल का मतलब और हो जाता है. ठीक है, तो कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ हो रहे होते हैं. तो क्योंकि लॉरेंट क्लर्क ही वो पहले शख्स थे कि जो डेफ एजुकेशन को अमेरिका में लेकर आए थे. ठीक है, लिहाजा इसीलिए उन्हें अपोस्टल ऑफ डेफ इन अमेरिका कहा जाता है. तो ASL को अगर कोई बंदा ये कहता है कि इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ जेस्टर्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश एज सम हैव क्लेम्ड, तो कुछ लोग ASL यानी अमेरिकन साइन लैंग्वेज को ये कंसीडर करते हैं कि ये भी कोई जो है वो जेस्टर्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश है. और जेस्चर्स को हम पहले देख चुके हैं कि जेस्चर्स तो हैं, तो हम आमतौर पर वर्ड ही तब यूज़ करते हैं जब
स्पोकन पीपल यानी वो लोग जो लैंग्वेज को बोल भी सकते हैं वो जब यूज़ करते हैं तो उनके लिए हम जेस्चर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ASL जो है वो जेस्चर वर्जन ऑफ इंग्लिश नहीं है जैसा कि कुछ लोगों का ख्याल है। और हिस्टोरिकली ASL डिवेलप्ड फ्रॉम द फ्रेंच साइन लैंग्वेज। ज़ाहिर है लॉरेन क्लर्क ही सबसे पहले बंदे थे जो यूनाइटेड स्टेट्स में आए, इसीलिए फ्रेंच साइन लैंग्वेज से इसकी डिवेलपमेंट कही जा सकती है ASL की। और वो जो फ्रेंच साइन लैंग्वेज थी वो पेरिस स्कूल में यूज़ होती थी 18th century में जिसे जो बनाया गया था। अब अर्ली इन द 19th century तो वही बात जो भी हम कर चुके हैं कि इसी स्कूल से पेरिस स्कूल से एक टीचर जिनका नाम लॉरेन क्लार्क था जिनको अब अभी हमने देखा भी है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स आए। और अब हम बात कर चुके हैं कि वो थॉमस ग्लाउडेट के साथ वो अमेरिका आए और उन्होंने फिर एक डेफ के लिए एक स्कूल भी बनाया जो हम देख चुके हैं हैडफर्ट कनेक्टिकट में। तो अब लॉरेन क्लार्क ने ना सिर्फ डेफ चिल्ड्रन को टीच किया बल्कि दूसरे टीचर्स को भी ट्रेन किया डेफ लैंग्वेज में। और 19th century के दौरान दिस इम्पोर्टेड वर्जन ऑफ साइन लैंग्वेज यानी जो फ्रेंच से आई थी इनकॉर्पोरेटिंग फीचर्स ऑफ इंडिजिनस नेचुरल साइन लैंग्वेजेस। अब जो पहले अमेरिका में कुछ किसी ना किसी तरह नेचुरल साइन लैंग्वेजेस जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी उनके साथ मिलकर जो है वो एक नई लैंग्वेज इवॉल्व हो गई जिसे हम ASL या अमेरिकन साइन लैंग्वेज कहते हैं। और यही जो इसके ओरिजिन्स हैं अमेरिकन साइन लैंग्वेज के यही एक्सप्लेन करते हैं कि जो ASL और BSL के यूज़र्स हैं यानी BSL ब्रिटिश साइन लैंग्वेज ये कॉमन इनमें फीचर्स क्यों नहीं हैं। यही एक इसकी मेन वजह कि जो ASL है वो इंडिजिनस जो क्या कहते हैं इंडिजिनस फीचर्स जो थे नेचुरल साइन लैंग्वेज के अमेरिका में उससे मिलकर और थोड़ा बहुत फ्रेंच के इन्फ्लुएंस से बनी है जबकि BSL जो है वो इसीलिए डिफरेंट है अमेरिकन साइन लैंग्वेज से। हम BSL को कभी किसी वीडियो में देखेंगे तो मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कि BSL में टू हैंड यूज़ हो रहे थे अल्फ़ाबेट्स बनाने के लिए जबकि ASL में वन हैंड यूज़ होता है। ठीक है फिर BSL में लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड का कॉन्सेप्ट भी है। ठीक है तो ये तो शायद ASL में भी हो तो यही वजह के जो ASL और BSL में कुछ डिफरेंस भी है। तो ये था आज का लेक्चर और वही इसके लिए मैंने दो रेफरेंस यूज़ किए हैं जो मैंने आपको शुरू में पिक्चर दिखाई बुक से वो यही अमेरिकन साइन लैंग्वेज फॉर डमीज इस बुक से थी। सो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ साइंस। तो ये हो सकता है थोड़ा डिटेल लेक्चर हो और मैं सारे पार्ट्स को इसमें कवर करने की कोशिश करूं। ठीक है तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। वीडियो में कभी कभार कुछ नॉइज़ आ जाता है मैं इसे रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूं तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये कुछ लेक्चर्स में ये नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर आप कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में वो पूछ सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाहु खैरन एंड थैंक यू।